हे गाइस वेलकम टू लॉसिफाइड मध्य प्रदेश जुडिशरी ने फॉर्म अपने खोल दिए हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की डेट नहीं आई है लेकिन एज एवरी मेंटोर और एज एवरी एस्पिरेंट सजेस्ट करता है कि तैयारी आपको आज से अभी से शुरू करनी होगी हम भी यही बोलेंगे कि इस वक्त से तैयारी शुरू कर दीजिए तो एम की स्ट्रैटेजी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए वी हैव प्रोवाइडेड अ लिंक वेर यू कैन चेक दी स्ट्रैटेजी टू क्लियर एम पी सी जे होलिस्टिकली एंड दैट एम पी सी जे प्री कंसिस्ट ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन विच इज एम पी जी के ना दिस एम पी जी के इज ऑफन इग्नोर्ड बाई दी एस्पिरेंट्स एंड कैंडिडेट्स बाय इसको पढ़ना एक तो थोड़ा मुश्किल है थोड़ा अनइंटरेस्टिंग है थोड़ा छोटा पोर्शन है तो वेयर डज लॉसिफाइड कम इन दिस वी गॉट यू देयर हम एम पी सीजे की जिम्मेदारी लेते हैं दैट वील गेट यू कवर्ड कोर्स ऑफ एम पी सीजे एम पी सीजे में जीके स्टार्टिंग टूडे वी हैव फिजियोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश और एम पी जीके एट अ ग्लान्स तो स्टार्ट करते हैं लेट्स बिगिन सबसे पहले मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन कुछ सेवेंटी टू मिलियंस में है कैपिटल इसकी भोपाल है इसकी जोग्रफ़िकल लोकेशन थोड़ी सी दिमाग में रख लेते हैं ताकि वेन वी सी इट इन ऑप्शन वी कैन मार्क ट्वेंटी वन डिग्री सिक्स ट्वेंटी सिक्स फिफ्टी फ़ोर ये तो हमारे लैटिट्यूड्स हो गए फिर आते हैं सेवेंटी फ़ोर और ऐटी टू फोर्टी सेवन ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं तो इनको वी शुड रिमेंबर दी सो दैट ट्वेंटी वन सिक्स ट्वेंटी सिक्स फिफ्टी फ़ोर एंड सेवेंटी फ़ोर एटी टू फोर्टी सेवन दिज आर दी लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ ये बना कब था तो ये फर्स्ट नवम्बर टू थाउजेंड में बना था वॉट आर दी बाउंड्रीज़ ऑफ एम पी एम पी एक लैंड लॉकड स्टेट है तो इसकी बाउंड्री समझना ज़रूरी है नॉर्थ में एम पी के है उत्तर प्रदेश ईस्ट में है छत्तीसगढ़ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ uh, ईस्ट में और ईस्ट में छत्तीसगढ़ है महाराष्ट्र है साउथ में सॉरी फॉर द फंबल और वेस्ट में है राजस्थान और गुजरात डेकेडल ग्रोथ रेट है इसका ट्वेंटी पॉइंट थ्री परसेंटेज का डिस्ट्रिक्ट uh, इसमें फिफ्टी वन सब डिस्ट्रिक्स हैं थ्री सिक्सटी टू हाईकोर्ट है इसका जबलपुर में स्टेट डे कब मनाया जाता है फर्स्ट नवंबर को स्टेट ट्री है हमारी बरगद की स्टेट एनिमल है एंटीलो अब चीफ मिनिस्टर कौन है शिवराज सिंह चौहान इनकम्बिंग गवर्नर ऑफ एम पी एज मंगू भाई छगन भाई पटेल फर्स्ट गवर्नर याद करना इज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दैट इज़ बी पी सीता रमया. Now, moving with the physiological features of uh, Madhya Pradesh. So, initially Madhya Pradesh was constituted on the recommendations of the State Reorganization Commission. When? On 1st November 1956. Thereafter, in, for, on 1st November 2000, Chhattisgarh was carved out of Madhya Pradesh. So, at present Madhya Pradesh consists of 10 divisions and 51 districts. ये स्टेट मेजरली लाई करता है टेबल लैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया पे कहाँ से इसका जोग्रफिकल थोड़ा सा लोकेशन समझे तो इट इज़ बाउंडेड बाई अपर गांजेडिक प्लेन्स इन दी नॉर्थ गोदावरी वैली इन दी साउथ प्लेन्स ऑफ गुजरात इन दी वेस्ट एंड प्लाटू ऑफ बुंदेलखंड एंड छत्तीसगढ़ इन दी ईस्ट तो थोड़ी सी जोग्रफ़ी दिमाग में इंडिया का मैप इमेजिन करके समझिए कि नॉर्थ में इसके हैं अपर गैन्जेडिक प्लेन्स साउथ में है गोदावरी वैली वेस्ट में है गुजरात और प्लाटू ऑफ बुंदेलखंड और छत्तीसगढ़ है ईस्ट में इसमें कौन कौन से हिल्स हैं जो ट्रैवर्स करते हैं मध्य प्रदेश में विंध्या सतपुरा और मैकाल हिल्स अब हम डिवाइड करेंगे एमपी को इनटू टू प्लाटोज तो मलवा का प्लाटो है सेंट्रल इंडिया का प्लाटो है बुंदेलखंड का प्लाटो है प्लाटो ऑफ रेवा एंड पन्ना है नर्मदा सोन वाली है सतपुड़ा और मैकाल रीजन है और एक ईस्टर्न प्लेटो है अब इन प्लाटोज़ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वी विल सी वी विल ट्राई एंड रिमेंबर दैम इस वीडियो को एक बार में नहीं याद होता है आपको कैरेक्टरिस्टिक नहीं समझ में आते तो प्लीज़ वॉच दिस अगैन सो दैट वी गेट क्लियर ऑन सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज प्लाटोज ऑल्दो ये uh, प्रिलिमिनरी में इतना क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा इसलिए आई आईव नॉट मैंशन द बुलेट पॉइंट ऑफ दीज प्लाटोज बट अंडरस्टैंडिंग द जोग्राफी इज रियली इंपॉर्टेंट इसलिए वी विल जस्ट गेट टू नो सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज प्लाटो अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा क्या कि ये कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में है कौन कौन सी रिवर फ्लो करती है ये बने किससे हैं इनका थोड़ा सा जोग्राफिकल रीजन क्या है सो लेट्स बिगिन विद द प्लाटो ऑफ मालवा तो ये प्लाटो जो है प्लाटो ऑफ मालवा इंटायर वेस्टर्न रीजन कवर करता है मध्य प्रदेश का दिस इज फॉर्म्ड बाई ट्रैप डेकन ट्रैप रॉक्स ठीक है ये स्टार्ट करता है वहां से नॉर्थ टू वेयर नर्मदा एंड बेतवा रिवर्स आर फाउंड अब डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी हैं गुना राजगढ़ मंडसौर झबुआ धार रतलाम देवास उज्जैन सेहोर विदिशा शाजापुर रायसेन और सागर इसकी एवरेज हाइट नॉर्मली थ्री फिफ्टी से फोर फिफ्टी मीटर्स है लेकिन कुछ पीक्स हैं जो कि एट हंड्रेड मीटर तक की भी हाइट ले लेती हैं चंबल माही शिप्रा चंबल माही शिप्रा बेतवा पार्वती आर सम ऑफ द रिवर्स जो कि इस प्लाटो को ड्रेन करती हैं तो ये हो गई प्लाटो ऑफ मालवा की बात मूविंग टू नेक्स्ट प्लाटो ऑफ सेंट्रल इंडिया ये रीजन कवर करता है नर्दर्न पार्ट ऑफ द लोअर बेसन ऑफ चंबल रिवर ये बना किससे है विंध्यन रॉक ग्रुप से बना है और डक्न ट्रैप इसके साउथ में है और बुंदेलखंड रॉक्स इसके ईस्ट में हैं हिल्स कौन कौन से हैं बुंदी और करौली हिल्स हैं जो कि इसकी वेस्टर्न बाउंड्री बनाते हैं इस रीजन में लो लैंड और अपलैंड दोनों ही टॉपोग्राफी है इस रीजन की रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसमें डीप रवाइंस होती हैं कौन कौन सी रिवर है चंबल है काली सिंध है पार्वती रिवर है और डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी हैं जो इस प्लाटों में लाई करती हैं वो हैं मुरैना भिंड ग्वालियर शिवपुरी श्योपुर गुना और मंदसौर इसकी हाइट मैक्सिमम पाँच मीटर की है और प्लेन जो है वो उसकी हाइट जो है वन फिफ्टी से थ्री हंड्रेड मीटर की है नॉट वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट टू अंडरस्टैंड द जोग्राफी ऑफ दिस प्लाटो मूविंग अहेड वी हैव प्लाटो ऑफ बुंदेलखंड ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसकी जोग्राफी समझे तो इट लाइज टू द ईस्ट ऑफ द सेंट्रल इंडिया प्लाटो सेंट्रल इंडिया प्लाटो अभी हमने ऊपर देखा तो ये सेंट्रल इंडिया प्लाटो के ईस्ट में है एंड इट इज बाउंड ऑन द नॉर्थ ईस्ट बाई द रेवा पन्ना प्लाटो रेवा पन्ना प्लाटो हम नेक्स्ट देखेंगे इस एरिया में आ, हैं ग्रेनाइट रॉक्स ऑफ द अरेबियन एरा ग्रेनाइट रॉक्स ऑफ द अरेबियन एरा ये प्लेटो जनरली फ्लैट है कुछ मार्जिनल स्लोप्स हैं और इसकी टोपोग्राफी स्मूथ है ठीक है ये मोनाटोनसली फ्लैट है और बहुत ही अनड्यूलेटिंग सा प्लेटो है रिवर्स इसकी कौन कौन सी हैं बेतवा धसन केन और सिंध और स्प्रेड ओवर डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी हैं टीकमगढ़ छत्तरपुर दतिया ग्वालियर शिवपुरी इसकी हाइट वही 150 से 450 के बीच में है लेकिन सीधा बाबा हिल्स जो हैं वो इसकी हाईएस्ट पीक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सीधा बाबा हिल्स मूविंग टू द नेक्स्ट प्लाटो वी हैव प्लाटू ऑफ रेवा एंड पन्ना तो प्लाटू ऑफ रेवा एंड पन्ना को बोलते हैं हम विंध्यन प्लाटो भी ये हमारा जो पुराना प्लाटो था अभी एक पहले जो हमने देखा प्लाटो ऑफ उस बुंदेलखंड उसके नॉर्थ ईस्ट में है इसकी मैक्सिमम हाइट इस प्लाटो की है सेवन फिफ्टी मीटर्स भांडर हिल्स जो हैं ऑफ़ द इन स्टेट ग्रुप और कामोर रेंजेस इन दोनों में भांडेर हिल्स में और कैमोर रेंजेस में भांडर हिल्स और कायमोर रेंजेस में बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं जिनकी हाइट अप टू फोर फिफ्टी मीटर्स है वही रिवर्स कौन कौन सी हैं इम्पॉर्टेंट केन सोनार बर्मा टॉन्स एक्सेट्रा तो ये इसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हैं दाम्ह की पन्ना सतना और रेवा डिस्ट्रिक्ट मूविंग अहेड वी हैव दी नर्मदा सोन वैली ये रीजन जो है इसमें नर्मदा और सोन रिवर फ्लो करती हैं ये तो समझ में ही आ रहा है ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट विद एन एवरेज हाइट ऑफ थ्री हंड्रेड मीटर्स इसमें क्या क्या है इट इज़ बाउंडेड बाई विंध्यन भांडेर एंड कायमोर हिल्स इन दी नॉर्थ ऑफ दी वैली साउथ में क्या है सतपुरा एंड महकाल महकाल हिल्स एंड बाघेलखंड हाईलैंड इन द ईस्ट ये वैली थोड़ी नैरो है एंड द ट्रैप फॉल्स इन द नर्मदा रिवर डू नॉट अलाउ मच नाविगेशन इसके डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी हैं मंडला जबलपुर होशंगाबाद रायसेन ईस्ट निमरा वेस्ट निमरा बरवानी हरदा धार एंड देवास uh, कुछ पार्ट रेवा शाहदोल उमरिया और सिद्धि डिस्ट्रिक्ट्स का भी सोन वाली का पार्ट है मूविंग अहेड वी हैव सतपुरा एंड मैकाल रीजन ये रीजन की एवरेज हाइट तो तीन सौ मीटर है लेकिन इसमें हाईएस्ट पॉइंट है स्टेट का वो है पीक ऑफ धूपगढ़ तो पीक ऑफ धूपगढ़ जो है वो स्टेट का हाईएस्ट पॉइंट है और वो किस रीजन में आता है सतपुरा और मैकाल रीजन में तो सतपुरा स्लोप इज वेरी शार ऑन द साउथ फेस एंड जेंटल ऑन द नॉर्थ फेस इस रीजन में रिवर्स कौन कौन सी हैं तवा जोहिला देनवा वैनगंगा वर्धान एरिया क्या क्या है छिंदवाड़ा बैतूल सियोनी बालघाट मंडला एंड सम पार्ट्स ऑफ खंडवा एंड खारगोन डिस्ट्रिक्ट्स मूविंग अहेड वी हैव ऑन द ईस्टर्न प्लाटो ये ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है और विच इज ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट विच इज़ कॉल्ड बाघेलखंड प्लेटो इन सीधी डिस्ट्रिक्ट इसमें हाइट जो है हमारी वो फोर हंड्रेड से वन थाउजेंड मीटर्स तक है ठीक मूविंग अहेड वी हैव सम क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस तो हाइएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश ये सवाल बहुत बार पूछा गया है इसको स्टार मार्क कर लीजिए हाइएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश है धूपगढ़ दो सवाल बनते हैं हाईएस्ट पीक कौन सी है धूपगढ़ किस डिस्ट्रिक्ट में है होशंगाबाद में और अभी हमने देखा कुछ देर पहले कि किस रीजन में है तो सतपुरा मैकाल रीजन में है राइट विफ गॉट यू कवर्ड फिर डिविजन ऑफ मध्य प्रदेश विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट वो है हमारा इंदौर ये क्वेश्चन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मलवा प्लाटू सीगर इज 881 मीटर्स हाइट ऑफ हाइएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश धूपगढ़ और सतपुरा रेंज इज़ वन थ्री फाइव जीरो मीटर्स ये क्वेश्चन में बहुत सारे सवाल हैं एक तो इसकी हाइट थर्टीन फिफ्टी फिर ये सतपुरा रेंज में है धूपगढ़ है और ये हाइएस्ट पीक है ठीक है फिर विंध्या रेंज इज मेडअप ऑफ वॉट विंध्या रेंज जो है हिल्स की इसका कॉम्पोजिशन क्या है क्वार्स और सैंट का कॉम्पोजिशन है मूविंग अहेड सतपुरा रेंज का कॉम्पोजिशन क्या है ग्रेफाइट और बिसाल्ट का Uh, अब हम रॉक फॉर्मेशन देखेंगे कुछ प्लाटोज रीजन्स का और कौन सा रॉक फॉर्मेशन है ये एक मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है तो बुंदेलखंड का जो रॉक फॉर्मेशन है वो आर्कियन टाइम्स का है बालघाट का जो रॉक फॉर्मेशन है वो धारवाड़ सिस्टम है ग्वालियर का कोडप्पा और नर्मदा वैली का टर्शेरी रॉक है फिर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट इज बाउंड्री विद मध्य प्रदेश तो उत्तर प्रदेश बिहार नहीं छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र ये तो बाउंड्रीज हैं ही वी हैव नोन मूविंग अहेड वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड ऑफ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश तो बुंदेलखंड प्लेटो ये देखिए ये हमने जो अभी इस वीडियो में देखे ना प्लेटोज और प्लेटोज़ के बारे में जो जनरल जानकारी ली वो इसीलिए लेना इम्पॉर्टेंट है ताकि हम इस तरीके के सवाल कर सकें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाइलैंड्स ऑफ द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश तो बुंदेलखंड प्लाटो तो है सेंट्रल हाइलैंड का पार्ट आसपास सतपुड़ा मैकाल रेंज नॉट वेरी श्योर मालवा प्लाटो है नर्मदा सोन वाली है तो सेंट्रल हाइलैंड्स का पार्ट क्या नहीं है सतपुड़ा मैकाल रेंज नहीं है मूविंग अहेड छिंदवाड़ा खंडवा बैतूल आर मेजर टाउन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ये अभी हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से Uh, उसमें मतलब एरियाज में या प्लाटोज में है तो छिंदवाड़ा खंडवा बैतूल हमने आपको बताया था इन दिस सतपुरा एंड मैकाल रेंज सो हेयर आर सम ऑफ द क्वेश्चन ऑफ़ द फिजियोग्राफी फिजियोग्राफिक फ़ीचर्स ऑफ मध्य प्रदेश इट रियली गेट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज दीज फीचर्स ऑफ दीज प्लाटोज वंस अगेन आई एम हावरिंग की प्लेटोज कौन से हैं रीजन्स कौन से हैं तो प्लेटो ऑफ मलवा है प्लाटू ऑफ सेंट्रल इंडिया है प्लाटू ऑफ बुंदेलखंड है प्लाटू ऑफ रेवा एंड पन्ना है नर्मदा सोन वाली है सतपुड़ा एंड मैकाल रीजन है और ईस्टर्न प्लाटू है ये हम थोड़ी सी जोग्राफी समझ लेंगे तो इट रियली गेट्स ईजी फॉर अस टू आंसर क्वेश्चन इन दी प्रिलिम्स सो हेयर इट इज़ थैंक यू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज ऑन एम पी जी के सो वी हैव गॉट यू कवर्ड फॉर द एम पी जी के दैट्स इट फॉर थैंक यू